शरद पवार जैसे बुजुर्ग को जिसकी उम्र 85 है, 85 है, जिनको कैंसर की बीमारी है, यहां की हड्डी टूटी हुई है, फिर भी 40 साल का आदमी जो काम करता है वो शरद पवार करता है। लेकिन जिस ग्रुप के रिश्ते को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिस ग्रुप के रिश्ते को उन्होंने आगे बढ़ाया, 5 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, उसी खून ने उनको धक्का मार के घर से निकाल दिया। ये पार्टी किसकी थी? ये पार्टी का मालिक कौन था आप बताओ? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मालिक कौन था? गली निशानी किसकी थी? ये पाकिट मारों ने, जो रेलवे में पाकिट मारते हैं ना, ये पाकिट मारों ने शरद पवार को धक्का देकर घड़ी खींची। वो घड़ी खींचने वाला जो पाकिट मार था उसका नाम अजीत पवार है। और उनमें से कई पाकिट मार उमरा में आए बीजेपी का सहारा लेके। ये घड़ी क्यों चोरी गई? क्योंकि बीजेपी साथ में थे, इसलिए चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। चुनाव आयोग आए अजीत पवार के साथ हो गए। देश का कानून ये देता ही नहीं परमिशन कि ओरिजिनल पार्टी जो है उसकी निशाने निकाल के दे दो, नहीं देता है। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।